पढ़ाई एक ऐसा शब्द है जो बचपन से लेकर एक बालिक उम्र तक अक्सर हम सुनते रहते हैं। एक ऐसा शब्द जिसके पीछे एक इंसान अपनी जिंदगी के शुरुआती 15 से 20 साल लगा देता है। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल एक इंसान दुनिया बदलने तक के लिए कर सकता है। एक ऐसा चीज है जो अगर आपने अपनी जिंदगी में नहीं करी तो आप में और एक जानवर में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। एक बहुत अच्छी कहावत है जो बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं, रात रात भर जाकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के तारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी हो। मेरे दोस्त, किस्मत को बुलंदियों पर ले जाने का सपना तो हर कोई देखता है, हर कोई कामयाब होने का सपना देखता है, हर किसी में चाहत होती है एक सफल इज्जतदार ज्ञानवान इंसान बनने की, जिसे समाज में चार लोग इज्जत दें, जिसे एक एजुकेटेड इंसान की हैसियत से देखें, ना कि अनपढ़ गवार की तरह। लेकिन इन सब की शुरुआत कहां से होगी? यह तीन अक्षर के शब्द, पढ़ाई से। आज अगर तुम अपने स्टूडेंट्स लाइफ में हो तो यकीन मानो मेरे दोस्त, ये तुम्हारी जिंदगी का गोल्डन पीरियड चल रहा है। अब चाहे तो इस गोल्डन पीरियड का फायदा उठाकर अपनी आगे की सारी जिंदगी को सोना बना लो, या फिर इसे सोने में गुजार दो और सारी जिंदगी दुख की नदियों में बहते रहो। मैं पूछता हूँ, आज जो बच्चा अपने घर में हर सुख सुविधा के साथ 4-5 घंटे दिन के पढ़ने को तैयार नहीं है, क्या कल वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब किसी आयरन स्टील फैक्ट्री के अंदर 12-14 घंटे कड़ी धूप और गर्मी में मजदूरी करने के लिए तैयार होगा? मेरे दोस्त, आज जो तुम गलती करोगे उसका अंजाम तुम्हें अपने पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। याद करना, जब तुम बड़े हुए थे तब तुम्हें पेंसिल के बाद पेन पकड़ा दिया गया था। ये सब बस इसलिए था ताकि तुम सावधान हो जाओ, इसके बाद की गई गलतियों को तुम मिटा नहीं पाओगे। एक बात और याद रखना, एग्जाम हॉल में बैठकर सब एक साथ पेपर जरूर देते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। इसका मतलब जब तुम उस मुकाम पर होंगे जहाँ तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे, बोर्ड्स के एग्जाम में बैठोगे, तो वहाँ जाकर भी कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वहाँ सिर्फ घड़ियों की तरफ देखते हुए तुम्हारा समय बीतेगा और उस वक्त खुद पर शर्म भी आएगी और अफसोस भी होगा कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने पढ़ लिया होता तो आज मैं भी उन सभी टॉपर्स के सामने बैठा होता, काश अगर मैंने पढ़ लिया होता तो आज मेरे माता पिता को मुझ पे गर्व होता, काश अगर मैंने पढ़ लिया होता तो अपने परिवार को संघर्ष ना देखना पड़ता, माँ को चूल्हे और पापा को फैक्ट्री में जलते ना देखता, काश अगर मैंने पढ़ लिया होता तो वो दोस्त जो कभी साथ जीने मरने का वादा करते थे, क्योंकि वो मुझसे आगे निकल चुके हैं, वे इस वजह से मुझे इग्नोर नहीं करते, काश मैंने पढ़ लिया होता। सबसे यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर सैफिन हसन को तो आप सभी जानते ही होंगे। एक बार उनसे पूछा गया, एग्जाम की तैयारी करते वक्त वो कितना घंटा पढ़ते थे, तो इस पर उन्होंने जुनूनी अंदाज में जवाब दिया, वो सभी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं तब तक पढ़ता था जब तक पढ़ता था तब तक मेरा बनाया गोल पूरा नहीं हो जाता, भले इसको पूरा करने में रात के 2 बज जाए या अगले दिन का सूरज निकल जाए। रिश्तेदारी में मातम मने या कोई त्योहार, जो लक्ष्य मैंने निर्धारित कर रखा है उसे किसी भी हाल में पूरा करना है, वक्त और हालात की परवाह किए बगैर जब सब साथ छोड़ दे, किताबों को अपना हम सफर बना लूं, यकीन मानो कभी धोखा नहीं मिलेगा। जब रास्ता कठिन लगे तो बस रुको मत, चलते रहो, क्योंकि दोबारा अब ये मौका नहीं मिलेगा। पढ़ाई वो पड़ाव है जो आपको ऊंचाइयों तक ले ही जाएगा, बस पढ़ाई को रोकना मत। जब पढ़ने का मन ना करे, पढ़ने में दिल ना लगे, पढ़ाई से ध्यान हट जाए, मन बट जाए, तो बस दिलों में 2 बातों को याद करना। पहला, अपने माता पिता के सालों की खून पसीने की कमाई की जो उन्होंने तुम्हारे पीछे इस पढ़ाई में लगाया है। दूसरा, अगर आज नहीं पढ़े तो कल क्या करोगी? क्या फैक्ट्री में पत्थर तोड़ोगी या कप प्लेट बेचने का काम करोगी? उस समय नींद हराम नहीं होगा, सुख चैन बर्बाद नहीं होगा। जो लोग विद्यार्थी जीवन को यूं ही मजे में लुटा रहे हैं ना, बस इतना याद रखना कि कुछ सालों में जब जिंदगी तुम्हारे मजे लेगी तब तुम कहीं के नहीं रहोगे। गलती है आज के इस आर्टिफिशियल एडवांस लाइफस्टाइल वाली टेक्नोलॉजी की, जो स्टूडेंट्स को ये भरोसा दिलाता है कि बिना पढ़ते हुए भी सोशल मीडिया उनका कैरियर बना देगा, जो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि ये मत भूलना, पढ़ाई की वजह से ही टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ है, और भविष्य में अगर एजुकेशन के प्रति लोगों का मन हटने लगा तो वो दिन दूर नहीं जब इस हाईफाई वाले वर्ल्ड को छोड़कर हमें दोबारा आदि मानव वाली जिंदगी अपनाना पड़ेगा। सुबह सोचता हूँ शाम को पढ़ूंगा, शाम को सोचता हूँ रात को पढ़ूंगा, और फिर रात को थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आने लगती है। इसी तरह पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और हर दिन बर्बाद होता चला जाता है। इसी तरह कई महीने बर्बाद हो जाते हैं और यही सोच सोच कर हर एक महीना बर्बाद होता है। अपने चंचल बुद्धि के कारण हम कभी पढ़ ही नहीं पाते। मेरे दोस्त, अभी सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने बर्बाद हो रहे हैं, बस कुछ सालों के भीतर इसी आदत की वजह से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब सिर्फ आंसू बहाते रहोगे। समय रहते इस आदत को सुधार लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, बल्कि कुछ सिरफिरे पढ़ाई करने और अपने कैरियर बनाने के लिए भी जागते हैं। क्या आप भी उन सिरफिरे में से हो, या बनने की एक उम्मीद है जो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी बदल देगा?
तो आज से ही अपनी जिंदगी को पढ़ाई के प्रति नजरिया बदल लो और अपने सभी प्रायोरिटी में पढ़ाई को सबसे ऊपर रखो। मेरे दोस्त, अगर आपने वीडियो में बताई गई बातों को मान लिया तो इन्हें मुमकिन करने का ठान लिया तो समझ जाना इस वीडियो बनाने का मकसद और तुम्हारे इस वीडियो को देखने का मकसद दोनों सफल हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।